आईबी इंडिया न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद महिलाओं की सुरक्षा के प्रति पुलिस प्रशासन अपनी संजीदगी का परिचय देने के लिए स्कूली छात्राओं की सुरक्षा व उनके साथ होने वाली छेड़छाड़ की घटनाओं से बचाव और बच्चियों में जागरूकता लाने के लिए 1090 पावर एंजल व एंटी रोमियो अभियान के बारे में स्कूली छात्राओं को जागरूक किया। इसी के तर्ज पर आज गोंडा के बालिकाएं इंटर कॉलेज करनलगंज में महिला पुलिसकर्मियों ने छात्राओं को उनकी सुरक्षा से जुड़े पहलुओं और पुलिस द्वारा संचालित महिलाओं के लिए 1090 की हेल्पलाइन सेवा के बारे में बताया। दिखा रहे हो बच्चियों को क्या सेल्फ डिफेंस सिखा रहे हैं? 1090 का प्रोग्राम एंटी रोमियो और महिला थाने के स्क्वाड के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें हम लोग बच्चों को सेल्फ डिफेंस और 1090 के बारे में जानकारी दे रहे हैं, 181 महिला सुरक्षा हेल्पलाइन और एंटी रोमियो स्क्वाड के बारे में, 1090 चाइल्ड एब्यूज के बारे में। सभी कॉलेजेस में इसका प्रोग्राम किया जा रहा है। सेल्फ डिफेंस में कराटे के कुछ स्टेप्स और सेल्फ डिफेंस के जो स्टेप्स होते हैं वो कॉलेजेस में हम लोग बच्चियों को बता रहे हैं प्रैक्टिकल करके। सर, आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था और उसमें क्या क्या जानकारियाँ दी गई उसके बारे में बताइए। डीजी साहब के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक गोंडा साहब के आदेशानुसार मैं सीओ कर्नलगंज, इंस्पेक्टर कर्नलगंज और गोंडा से निरीक्षक मंजू यादव एंटी रोमियो स्क्वाड पूरा अपने स्क्वाड के साथ ही सरयू आदर्श बालिका विद्यालय बनाकर और बालिकाओं को उनके आत्मरक्षा के जो भी तरीके हैं प्रैक्टिकल करके एंटी रोमियो स्क्वाड द्वारा दिखाया गया।